यही हमें पत्थर दिख रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे अंकित भैया यहाँ पर आ चुके हैं घूमने के लिए। यहाँ पर पूरा पूरा ट्रक एक दिन पलट गया था और बाकी ये पूरा पूरा जंगली पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आपने पिछली वीडियो देखी होंगी मेरी, तो मैं सोनभद्र आया हूँ और आज हम जा रहे हैं फॉसिल्स पार्क। वहाँ पर जीवाश्म, मतलब कि बहुत करोड़ों वर्ष पहले जब यहाँ पर डायनासोर भी नहीं थे, इंसान कोई था ही नहीं तब के, तो चलिए चलते हैं अब। गाइस ये है सोन नदी, सोनभद्र में है ये यहाँ का ब्रिज। अब यहाँ से है 3 किलोमीटर दूर बस, अब बस पहुँचने वाले हैं थोड़ा देर में। और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा आसपास के पहाड़ हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं आप, दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको। और बाकी ये रास्ता है यहाँ से। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फॉसिल्स पार्क में और यहाँ पर लगा ताला, देखते हैं यहाँ पर ताला खुलवाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक नॉर्मल जैसे लोगों के लिए तो ताला नहीं खुलता है, पर हमारे साथ हैं हमारे फ्रेंड, तो देखते हैं वो गए हैं अभी क्या करते हैं। अगर इजाज़त देंगे तो अंदर से भी मैं आपको जाके दिखाऊँगा। गाइस ये है पूरा का पूरा जंगली इलाका, पहाड़ है और यहाँ पर हर प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं जो कि जंगल से आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो पत्थर हैं इनमें जीवन इनमें भी है, तो इनको जो इसके बाउंड्री के अंदर रखा है इनने। और देख सकते हैं सब ये अपने एज के हिसाब से थोड़ा बड़े होते जा रहे हैं, इनका भी अंदर जीवन के यहाँ पर आके अमेरिका कनाडा हर जगह के वैज्ञानिकों ने आके यहाँ पर रिसर्च किया। तो गाइस यहाँ पर जो रहते हैं, जो ताला लगाए हैं, वो अभी नहीं मिले हैं हमें, देखते हैं मिलते हैं। जब तक मिलेंगे तो फिर अंदर जाने की कोशिश करेंगे, मिलते हैं तो, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आपको बाहर से ही दिखाऊँगा। तो गाइस अभी नहीं आए हैं और हम अपने लिए खाने के लिए देख सकते हैं थोड़ा बहुत नमकीन बिस्किट और पानी लाए हुए थे, अभी चलते हैं यहाँ बैठ के थोड़ा देर खाएंगे, अगर जब तक आते हैं तो ठीक है। तो गाइस मेरी आँख में ज़्यादा ध्यान ना देना, क्योंकि मेरी जो आँख है उसमें पता नहीं किसी कीड़े ने काट लिया है, तो पूरी सूजी हुई है, अभी एक दो दिन में सही होगी। अभी फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर हमारी नमकीन बिस्किट और एक बोतल पानी, और यहाँ पर ये बढ़िया बैठने के लिए बना हुआ है, बहुत अच्छा है, जो आके बढ़िया बैठ, बारिश वारिश अगर होगी तो कहीं पर नहीं है ना, तो यहीं पर बैठ सकते हैं आराम से, यहाँ से घूम के तुरंत आइए और यहाँ पर बैठ लीजिए। और यहाँ पर थोड़ा बना हुआ तो यहाँ पर रहते हैं। तो गाइस काफ़ी टाइम हो चुका है और हम बिस्किट और नमकीन खा रहे थे, अभी तक यहाँ के जो रहते हैं यहाँ पर वो नहीं आए हैं, देखते हैं अगर अभी नहीं खुल रहा है, अगर नहीं आ पा रहे तो हम शाम को दोबारा आएंगे, पर आपको अंदर से जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। आज नहीं आएंगे तो कल दोबारा आएंगे फिर दिखाएंगे, पर अंदर जाके आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। अभी फिलहाल खा रहे हैं बिस्कुट, आप भी खा लीजिए भूख लगी हो तो। तो गाइस अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, अभी दोबारा आए हैं क्योंकि अभी यहाँ जो रहते हैं वो नहीं आ पाए हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं इको पॉइंट, जो यहीं सोनभद्र के थोड़ा आगे है, वहाँ पर थोड़ा सा झरना निकलता है, बहुत ही अच्छा है, तो चलिए चलते हैं। ये देख सकते हैं पूरा ट्रक का ट्रक पलट गया यहाँ पर, वो गैस आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रक जो है यहाँ से ऊपर वो लोग खड़े हुए हैं, आपको देख सकता है यहाँ से नीचे आया है और ये यहाँ पर पूरा गिर गया, ये डला, ये नीचे देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा सामान ये डला हुआ है यहाँ पर। तो गैस हम आपको उसी जहाँ से ट्रक गिरा है हम वहीं पर जा रहे हैं, और वहाँ से आपको देखेगा कि ट्रक कितनी ऊंचाई से गिरा है। आप तो गाइस अब हम वहाँ पर आ चुके हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ट्रक कहाँ से गिरा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे आगे वाले कैमरे।
पर थोड़ा बहुत भी लापरवाही की तो समझ लो नीचे ये देख सकते हैं पूरी पूरी खाई है और यहाँ पर कितनी खतरनाक खाई है। ये यहाँ पर थोड़ा सा चूका चलाने में तो ये पूरा पूरा यहाँ हो जाता है। ये देख सकते हैं ऐसी मोड़े हैं यहाँ पर ये है। हम ऊपर आ चुके हैं अब वहाँ पर यहाँ पर एक थोड़ा सा झरना है छोटा सा बिल्कुल, तो पहले आपको वो मैं घुमा दे रहा हूँ एक बार। चलिए ये गाइस देख सकते हैं आप लोग कितना मस्त पानी बह रहा है यहाँ से। ये यहाँ से पानी आया है। ये गाइस देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों से होते हुए। ये यहाँ से ये गाइस यहाँ से आके पूरा का पूरा यहाँ से होते हुए पूरा नीचे जा रहा आराम आराम से। तो गाइस मैंने आपको दिखा दिया छोटा सा, ये छोटा सा झरना है। इसके बाद हम अगले बार जो जाएंगे तो बहुत ही मस्त झरना है वहाँ पर जाएंगे। अभी थोड़ा यहाँ पर बारिश हो जाएगी तो वो बहुत ही तेज ऊपर से गिरता है तो उस वाले झरने जाना देख सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी बहुत अच्छा पानी है तो चलिए चलते हैं। अब नीचे भी देख के जाना है, अगर कैमरे में देख के जाऊंगा तो नीचे भी चला जाऊंगा। देख सकते हैं पूरा पूरा पानी है और यहाँ पर जो है ना काई लगी हुई है। ये काई है बहुत चिकनी है ये, अगर इसमें लात रखेगा तो सीधा नीचे, इसलिए तो चलते हैं अब आराम से। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे अंकित भैया यहाँ पर आ चुके हैं घूमने के लिए और झरने का लुत्फ लेते हुए पूरा मज़ा उठाते हुए यहाँ पर। पानी नहीं रुकेगा भैया? वाओ वाओ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मस्त पानी है, लग रहा है बढ़िया आराम से। अच्छा आपको सोनभद्र आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ की जगह कैसे है? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है अभी गाइस अच्छी अच्छी जगह जाएंगे हम लोग। भाव भाई साहब हमें लिवा के जाएंगे क्योंकि हम ने ये 3 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, इनकी लोकेशन है बहुत अच्छी अच्छी, इनको जगह पता है। अभी चलते हैं, अभी थोड़ा बारिश हो जाएगी तो एक झरना बहुत बड़ा है वहाँ पर, बहुत मस्त तरीके से पानी निकलता है। भाव भैया वहाँ पर लेके चलेंगे, यहाँ से करीब 35 से 40 किलोमीटर के समथिंग है तो वहाँ पर चलेंगे, पर थोड़ा बारिश का वेट कर रहा हूँ मैं। जिस दिन बारिश होगी उसी दिन तो गाइस चलेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा है और कितना अच्छा पानी आ रहा है यहाँ से लेकर ऊपर से, ऊपर से ये पहाड़ है और वहाँ से आगे जा ये पानी इस तरीके जा जाके यहाँ पूरा नीचे जा रहा है और यहीं से बहुत नीचे खाई है और यहीं पर अभी हमने आपको दिखा दिया। मैं देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये मस्त नहाने का मज़ा उठाते हुए इस तरीके से बढ़िया झरने का। हम अपने लिए कपड़े नहीं लेके आई तो हम भी नहाते और देख सकते हैं किस तरीके से मज़ा आ रही है। भाई लोग बहुत आ रहा है ना, यहाँ तो घूम लिया अब अभी चलते हैं और आगे की ओर देखते हैं अभी और कुछ बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको एक से एक मस्त नज़ारे मिलेंगे और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली एक से एक नया सोनभद्र का जितनी जगह आपको सब घुमाई जाएंगी। तो चलिए चलते हैं।